नमस्कार दोस्तों, महाराजा सोहेलदेव पासी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ आया हूं। दोस्तों मेरे पास एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है अवध सांस्कृतिक विश्वकोश भाग 1। दोस्तों इस पुस्तक को अयोध्या शोध संस्था के द्वारा शोध किया गया है, जो बेहद जानी मानी संस्था है, और इस पुस्तक को प्रमाणित सूर्य प्रसाद दीक्षित द्वारा किया गया है। साथियों इस पुस्तक में सभी जातियों का इतिहास बताया गया है और इस पुस्तक में पासी जाति के इतिहास के बारे में भी बताया गया है। पुस्तक में पासी जाति के इतिहास के बारे में क्या लिखा है, आइए जानते हैं। तो साथियों चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 203 पर। साथियों पेज नंबर 203 है। अब नंबर 7 पर देखें, पासी ऐतिहासिक साक्ष्यों के सहारे यह सिद्ध किया जा सकता है कि यह विगत शताब्दियों की एक वीर जाति थी। हिमालय के तराई क्षेत्र से लेकर महाकौशल तक के कई राज्यों पर पासी राजाओं का शासन था। लखनऊ में लखना पासी और बिजली पासी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अमृतलाल नागर ने एकदा नैमिषराय नामक उपन्यास में इस जाति का इतिहास विकास प्रस्तुत किया है और पासियों के शौर्य साहस का तथा उनकी युद्ध कला की प्रतिपुष्टि की है। धनुष बाण चलाने में यह जाति बहुत पारगत थी। कालांतर में जब पासियों का प्रभाव हो गया तो वे दारू बनाने बेचने लगे, सेनमारी करने लगे, गुड़ैत संदेश वाहक या धावक का कार्य करने लगे। साथियों अब चलते हैं पेज नंबर 124 पर और जानते हैं कि पेज नंबर 124 पर इस पुस्तक में पासी इतिहास के बारे में क्या लिखा है। साथियों तो पेज नंबर 124 है। बेनी माधव राणा का जन्म 1805 में हुआ था। इनके पिता थे बाबू राम नारायण। उनके अग्रज शंकरपुर के राजा थे। वे अवध के नवाब से लड़ झगड़ कर किसी तरह अपना राज्य चला रहे थे। बेनी माधव की वीरता से प्रभावित होकर उन्होंने इनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। एक बार नायन के चाकलेदार खान अली ने राणा को धोखे से बंदी बना लिया, किंतु शंकरपुर के एक पासी ने युक्ति पूर्वक इन्हें छुड़ा लिया। साथियों जो शंकरपुर के पासी युवक की बात हो रही है वह सेनापति वीरा पासी की बात हो रही है। अभी इसके आगे लिखा है युक्ति पूर्वक इन्हें छुड़ा लिया। बेनी माधव ने अपने शौर्य से नवाब को प्रभावित कर लिया। उन्होंने गांजर के सरदारों को परास्त करके राणा तथा दिलेर जंग बहादुर की उपाधि प्राप्त की। 1856 ईस्वी में वाजिद अली शाह की देश निकासी के बाद राणा ने अवध की फौज का पुनर्गठन किया। राणा के पास 4 किले थे, शंकरपुर, भीरा, जगतपुर और पुकबाया। उनकी सेना में लगभग 4000 सैनिक, 2000 घोड़े और 40 तोपे थी। इन्होंने कैंपवेल के छक्के छुड़ा दिए थे। इसका विवरण रसेल ने अपनी डायरी में दिया है। अंग्रेजों ने जब अवध को हड़पने की घोषणा की तो फैजाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर, कानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बाराबंकी, उन्नाव, फतेहपुर आदि स्थानों में गदर फैल गया। 31 मई से 9 जून के बीच एक बार अवध स्वतंत्र हो गया। ब्रिटिश कद्र को नवाब बना दिया गया। बेगम हजरत महल क्रांति का नेतृत्व कर रही थी राणा बेनी माधव सिंह। डोंडिया खेड़े के राम बख्श सिंह, कानपुर के नाना साहब तथा फतेहपुर के दरियाओ सिंह की सम्मिलित फौज द्वारा कई अंग्रेजों को लखनऊ की रेजिडेंसी में कैद कर लिया गया था। कई अंग्रेज सैनिकों को राव राम बख्श सिंह ने बैसवारे में फुकवा दिया था। राणा ने 15,000 सैनिकों को लेकर होप ग्राउंड पर हमला किया। अंग्रेजों के साथ गोरखा सेना और सिख सेना थी, किंतु वह ठहर नहीं पाई। जून 1858 ईस्वी में लखनऊ में पुनः भीषण युद्ध हुआ। दुर्भाग्य से कई राजाओं ने इस बीच आत्मसमर्पण कर दिया। 18 नवंबर 1858 ईस्वी को अंग्रेजों ने शंकरपुर पर हमला किया। राणा ने खतरे का पूर्वानुमान करते हुए अपने परिवार को बाहर भेज दिया और वे स्वयं अंतर्धान हो गए। एक बार राणा ने अंग्रेज सेनानी
इवली से भीरा में मुकाबला किया। इनकी मुठभेड़ बेली गारद बर्दर डोंडिया खेरा पूर्वा सैरनी सलोन बक्सर सिमरी आदि स्थानों में कई बार हुआ। इस बीच कमान लॉर्ड क्लाइव के हाथ में थी। उसने राव राम बक्स को पकड़कर फांसी पर लटका दिया, लेकिन राणा को कोई नहीं पकड़ पाया। वे ये युक्तिपूर्ण नेपाल में प्रवेश कर गए। आगे इनका पता नहीं चल पाया। राणा के संबंध में अनेक जनश्रुतियां बैसवारे में गूंज रही हैं। इनके घोड़े सबजा और सेवक शिवदीन पासी से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि बहुत दिनों तक वे साधु वेश में शंकरपुर आते रहे। अंग्रेजों ने संधि का प्रस्ताव करते हुए इनको कई प्रलोभन दिए थे, किंतु राणा अपने कर्तव्य पथ से नहीं डिगे। ये बराबर गोरिल्ला युद्ध करते रहे। अंग्रेज बेनी माधव से बराबर आतंकित रहे और यह महसूस करते रहे कि बैसवारे के जमींदारों की जैसी वीरता शायद ही कहीं देखी गई हो। राणा के संबंध में यह गीत घर घर में लोकप्रिय है। साथियों, अब मैं कहना चाहता हूँ, राणा बेनी माधव वह इसलिए अंग्रेजों से लड़ सके क्योंकि इनकी रक्षा में बीरा पासी जैसे वीर योद्धा थे, जिनका नाम शिवदीन पासी भी कहा जाता है। साथियों, अब चलते हैं पेज नंबर 78। तो साथियों, ये पेज नंबर इसी पुस्तक का पेज नंबर 78 है। इसमें पासी तथा भर के बारे में बताया गया है। पासी तथा भर राज्य अवध क्षेत्र के कई स्थानों पर 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच पासी राजाओं का अधिकार रहा है। 1850 के आसपास कासिमगंज के पासी राजा गंगा बक्स रावत का शासन देवा क्षेत्र में बताया जाता है। ऐसा मत है कि सूर्यवंशियों के बाद अवध का शासन ऋषियों मुनियों ने संभाला। उस बीच हिमालय की तलहटी की दो जातियों भरो और पासियों ने अवध पर अधिकार कर लिया। बाद में उनसे मुसलमानों ने यह राज्य छीन लिया। मुसलमानों से 1857 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने इसकी राजसत्ता हड़प ली। अवध के जिन 22 परगनों में पासियों का राज था, उनमें मुख्यतः दरियाबाद, रुदौली, रामनगर, घींगरा, देवा, जहांगीराबाद, जगदीशपुर, हैदरगढ़, रायबरेली, प्रतापगढ़ आदि 12 बंकी का पुराना नाम था जसनौल, जो बिजली पासी के बहनोई जस द्वारा स्थापित किया गया था। इनके दो मुख्य किले थे, जरवल तथा जसमुंडा। श्री राजा महादेव ने लखनऊ में भी किला बनवाया था। इनके दो सेना नायक थे, कमाल और जमाल, जो सैयद सलार मसूद से युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। सुहेलदेव के नेतृत्व में भर पासी राजाओं ने सलार मसूद को मारा था। इतिहासकारों का मत है कि अकबर के शासन काल में अवध में 4 सरकारें थी, अयोध्या, लखनऊ, खैराबाद, बहराइच। पासी परिवार के जग्गा ने जुगौर को तथा मल्लों ने मल्लौर लखनऊ को बसाया था। कुल 65 वर्ष तक इन भर पासी राजाओं ने यहाँ राज्य किया। 1850 में पासी राजाओं ने सेनापति एल्डरटन, कैप्टन विल्सन और व्यूल को मार भगाया था। हल्ता कंपनी का राज्य होने के बाद 1871 ईस्वी में पासी जाति पर क्रिमिनल एक्ट लगा दिया गया और इसे परिगणित घोषित कर दिया। भरों के संबंध में यह मत है कि यह अवध के मूल निवासी जाति थी।